हैप्पी टू ऑल। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मेरे को पहचाना? सरदार खुश हुआ। ये तो सरदारों की ये बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। मैं बबली, बिट्टू की कजन। नहीं पहचाना? मैं बिट्टू की सिस्टर बबली, 3 महीने बड़ी उससे मैं। हैं? 3 महीने बड़ी? हाँ, पहले मैं लंदन में रहती थी, वहां की गवर्नमेंट ने मेरे को स्पेशल फ्लाइट से इंडिया भेजा है। मैंने कहा, मैंने कहा नॉर्मल फ्लाइट में भेजो, कहते नहीं, जो लोग बिना पासपोर्ट के इंग्लैंड में घुसाते हैं उनको हम ऐसे ही भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे आके मैंने पार्लर का काम खोल दिया, बिकॉज बिट्टू को कोई काम चल नहीं रहा था। मैंने कहा मैं हूं ना तेरी दीदी, मैं चलाती हूँ काम। यू नो व्हाट, पार्लर और कार गैराज दोनों सेम होते हैं। गैराज में क्या होता है, एक्सीडेंट के बाद डेंटिंग पेंटिंग होती है, यहाँ पे पहले डेंटिंग पेंटिंग होती है, उसके बाद एक्सीडेंट होता है। मेकअप आज की डेट में इतना जरूरी, हर बंदा मेकअप करता है। शहर की लड़की जो मेकअप करती ना, जैसे आपके पीछे बैठी हुई ना, लिटिल लिटिल मेकअप करके, इनको मेकअप करना आता है। चश्मा लगा के बैठी फिर भी कितनी प्यारी लग रही है ये। हरी पेंट वाली तोती। तोती। ये बड़ा नपातुला मेकअप करती है, यहाँ पूरी लिपस्टिक आनी चाहिए, उतना ही करेंगी। गांव वाली लड़कियां, उनको बेचारे को मेकअप का पता ही नहीं होता, पता सारा दिन भैंसों के साथ घूमती रहती है भैंस बनके। वो आइडिया नहीं मेकअप करने, तो करना कैसे। शहर की लड़कियों को पता है, बिकॉज इनको माहौल भी मिलता है ना वहां पे। गांव में बेचारे इतनी गर्मी पड़ रही होती है, सारा दिन मेहनत करती है, फिर सारा परिवार एक ही चारपाई पे सो जाता है, चद्दर लेके सो रही होती, चद्दर में से पांव बाहर निकले हैं, पता नहीं चलता भैया के पांव कौन से भाभी के, इतने बाल होते हैं। गांव की लड़कियां बेचारी, उनको पता ही नहीं होता वैक्सिंग होती क्या है। मैंने गांव की लड़की से पूछा, मैंने कहा दीदी आपने कभी वैक्सिंग ट्राई की है? कहती नहीं दीदी, मैंने तो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। इतनी मतलब, यहाँ पे शहरों में मेकअप बिल्कुल कट टू कट होता है, पता है? इतने सुंदर सुंदर पाम मैनिक्योर पेडिक्योर कराती है। गांव की लड़कियां बाहर सो रही होती ना, इतनी इतनी एड़ियां फटी होती है, जाके आता बीच में चिट्ठी फंसा के चला जाता है, इतना माहौल खराब है। फिटनेस कॉन्शियस होती शहर की लड़कियां, जूस पिएंगी सबसे महंगा वाला अनार का जूस, सिप सिप करके पीती, आधा छोड़ देती हैं। गांव की लड़कियां लस्सी वाली दुकान पे जाके पहलवानों की तरह बोलती, पाजी एक बड़ा वाला ग्लास लस्सी भर के देना, मक्खन डबल कर देना, मीठा ठोक के बर्फ रोक के। पाजी बर्फ नहीं डालना, खामखा लस्सी के ग्लास का टीडीएस कट जाता है। ये तो हाल है गांव की लड़कियों का। आपको पता है हर आदमी का जो नजरिया होता है अलग होता है, आदमी का और औरत का। आदमी मर के चला जाए ना नरक में, वहां पे भी बाज नहीं आता। यमराज की बेटी को देख के बोल रहा था, देख उसकी बेटी है कि नहीं पटाखा। औरतें मर के स्वर्ग में भी चली जाए, वहां पे भी अपनी आते नहीं छोड़ती। वहां पे भी अप्सरा की साड़ी को देख के बोल रही होती है, सी हर साड़ी, इट्स रिडिकुलस। क्या बात है, हर जगह मेकअप करने के दीवाने। यहाँ पे भी काफी सारे लोग बैठे हुएंगे, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। भाई साहब, ये आपकी वाइफ है? यस यस। ये आपको बिना मेकअप के अच्छी लगती है कि मेकअप के? इन्हें तो मैं कैसे भी देख लूं मुझे अच्छी लगती है। ओके, इसका मतलब बिना मेकअप के भी देखा नहीं आज तक। Am I right? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभी तो क्या देखना, भगवान का प्रसाद समझ के रख लिया है बस। भगवान का प्रसाद समझ के रखा है आज। और ये तो प्रसाद भी ऐसा है जिसको मिले उसी को खाना पड़ता है। और ये ऐसा प्रसाद आप किसी में बांट भी नहीं सकते, खुद ही खाना पड़ेगा आपको। हर जगह मेकअप के दीवाने, बैठ जाइए आप, मुझे पता है थोड़ा सा तो किया ही होगा। आप बताइए, सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर, आपको ऐसा कभी फील नहीं होता कि मेकअप जब आप करती हैं तो लोग आप पे ज्यादा ध्यान देते हैं? मेरा मानना है कि लोगों को इनर ब्यूटी अट्रैक्ट करती है। इनर ब्यूटी? इनर ब्यूटी दिखने कहाँ देती हैं आप? इतने 12-12 इंच मेकअप की परत चढ़ाई होती है इन्होंने ऊपर, इनर ब्यूटी देखती है। वाओ, इनर ब्यूटी मतलब दिल साफ होना चाहिए। दिल साफ होना चाहिए, ओके। ये भाई साहब जो बैठे हुए हैं ना, खड़े हुए जरा, तो बड़ा दिल साफ है इनका। अभी ये मोटरसाइकिल लेके आए, घूमने जाएंगे इनके साथ? कोई दिल सब बहाना आता है मेकअप करने का, बड़ी आए बैठ गए, ये तो हंस क्यों रही है अभी, बैठ गई। पता है हर किसी को मेकअप अच्छा लगता है, कौन है जिसको मेकअप अच्छा लगता है? ये भाई साहब, आप, आपको कैसी लड़कियां अच्छी लगती हैं? दोनों टाइप की, मेकअप और बिना मेकअप दोनों? दोनों। फ्रस्ट्रेटेड यूथ, ऐसे लड़के होते हैं, इनको हर तरह की लड़कियां अच्छी लगती है, बस लड़की होनी चाहिए। 33 नंबर दिए पास। हाँ, और जब लड़की पटती नहीं है ना, उसी का नंबर जाके रेलगाड़ी के बाथरूम में लिख के आते हैं।
हाँ पर खैर मैं कहाँ मुस्टंडों के चक्कर में पड़ गई, मैंने अपना पार्लर खोला है उसकी तरफ ध्यान दूं मैं, कहीं कस्टमर ना आते हों। ओह माय गॉड, एक तो सारा सामान बिखरा पड़ा है। मैं आपको एक बात बताऊं। बबली, ओ बबली। क्या है? सुन। What? मेरे आईब्रोज कर दे प्लीज, मेरे को शाम को पार्टी में जाना है। क्या? आईब्रोज कर दे, पार्टी में जाना है शाम को। एक काम करना भाभी, आईब्रो कल करवा ले। हाँ? कल मेरा पार्लर बंद है, दोनों जाके किसी अच्छे से पार्लर से करवाते हैं। अरे लेकिन तेरा खुद का ब्यूटी पार्लर है, कहीं और क्यों जाना है तुझे? अरे बाबा हलवाई अपनी मिठाई खुद खाता है। हाँ? मिर्जा गालिब अपने शेर खुद बोलता है, सारे सिद्धू भाजी बोलते ना। हाँ? वैसे ही मैं अपना मेकअप खुद नहीं कर सकती, मेरे को नहीं आता करना। एक सेकंड क्या बोला तुमने? अरे बाबा मैं अपना मेकअप खुद नहीं कर सकती, मेरे को नहीं आता करना। तुम्हें मेकअप नहीं करना आता और तुमने ब्यूटी पार्लर खोल के रखा है? तो तुम दोनों भाई बहन ना पागल हो, अजीब अजीब काम करते हो तुम दोनों। सिद्धू जी, आज की डेट में काम आता हो ना आता हो मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। जैसे ये एक्टिंग आती नहीं आती, कर रही है ना। आज की डेट में मार्केटिंग जरूरी है। और बिट्टू तो इतना फुलिश है ना, इतना फुलिश है, दिमाग से उसको कुछ आता नहीं। मास्टर ने बचपन में उससे सवाल पूछा, कहते बेटे चार और चार कितने होते? कहता आठ। अरे पागल, दो ज्यादा बता दस, ताकि वो अपने आठ ले जाए, तेरे को दो तो बचे। मार्जिन रकम रखनी चाहिए। हाँ तो तुम्हारा भाई है मूर्ख, अब क्या कर सकते हैं? ए हेलो मूर्ख, कुछ नहीं है वो, तुमसे बड़ा प्यार करता है वो, पता है तेरे को? जताता तो नहीं है। ये मर्द सारे ऐसे होते, कोई नहीं जताता। पता है मेरे वाले जो है, उन्होंने मेरे को चार साल बाद बताया था कि प्यार करते हैं बाहर भी दो लड़कियों से। ऐसे नहीं बताते वो। तुम्हें बड़ा पता है मर्दों के बारे में? हाँ तो पागल, मेरे पार्लर में मर्द ही तो आते हैं। पार्लर में सिर्फ मर्द ही तो आते हैं मेरे पार्लर में। तुम्हें पता है मर्द कैसी कैसी बातें करते हैं अकेले में? कैसी? वही सेम जो हम लोग करते हैं। शर्म कहीं के? अरे नहीं बाबा, सारे ऐसे नहीं होते, बीच बीच में क्रिकेट की बातें भी कर लेते हैं। पर लेकिन मैं एक बात बताऊं, मेरा बिट्टू ऐसा नहीं है, वो तुमसे बड़ा प्यार करता है। तुम्हें याद है जब तुम्हारी नई नई शादी हुई थी, सारा दिन तुम्हारी बातें करता रहता था वो। हाँ तो क्यों नहीं करता, उस वक्त मैं थी कुछ और। क्या कुछ और थी? उस वक्त मेरी कुछ खासियत थी। क्या तेरे यहाँ मनी प्लांट निकला हुआ था? बात बात कुछ नहीं होती, नया नया टीवी लो ना, आदमी दूरदर्शन के लोगों को ही देखता रहता आधा घंटा। तो नई नई आई थी इसलिए तेरी बात करता था वो। हाँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कि मैं सुंदर नहीं हूँ? सिद्धू बाजी बताइए ना इसे आप। पटाका। उनसे क्या पूछ रही है, हर मर्द को अपने बच्चे और दूसरे की बीवी सुंदर ही लगती है। ठीक है फाइन, अगर तुम ऐसा कहते हो मैं आज सबसे अच्छा मेकअप करके पार्टी में जाऊंगी एंड आई विल लुक द मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके स्टूपिड, काम कर ले कुछ। हाँ तो कर लेती हूँ मैं, बढ़िया ही बाहर से आके मेकअप कराऊंगी, देख लेना। ब्यूटी पार्लर हिट होएगा तो मेरा ही, मैंने मार्केट में फैला दिया है कि मेरा जो बबली ब्यूटी पार्लर है वो बॉलीवुड ब्यूटी पार्लर है। यहाँ पे बड़े बड़े सितारे आते हैं, मार्केटिंग आनी चाहिए। एक तो मेरा रामू पता नहीं कहाँ मर गया। रामू मर गया रामू। क्या हुआ? पूछो क्या नहीं हुआ, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। तू तो बोर्ड लगाने गया था ना बबली ब्यूटी पार्लर के। सिद्धू पाजी मेरे साथ बड़ी ज्यादा करते हैं। क्या यार, बोर्ड के नाम पर मेरी छाती पर लिखवा दिया, पब्लिक ब्यूटी पार्लर खुल गया अब आपके इलाके में। हर आदमी आ रहा है, मेरी कमीज उठा उठा के देख रहा है कि फोन नंबर कहाँ लिखा हुआ है। और मेरी पीठ के ऊपर देखे ये क्या लिखवा दिया। फुल बॉडी मसाज 100 रुपये। सारा मेन्यू कार्ड मेरे पीछे चिपका दिया। बंद करो ये गरीबों वाला काम। तेरे बड़े अमीरों वाले काम होते हैं। चल चुपचाप जाके अभी मसाज वाला बन तू। चल मसाज वाला मैं बनूं? हाँ। मुझे नहीं बनना। अपनी सहूलत के लिए मुझे कुछ भी बना देते हो, कभी नौकर बना देते हो, कभी डॉक्टर बना देते हो, कभी बोर्ड बना देते हो। अभी एक दिन ना हमारे सामने वालों ने बकरा ले लिया, मुझे कहता रामू इज्जत नहीं रहती अगर हमारे पास बकरा ना हो तो, खाल लेकर मुझे पहना दी। अब खाल अगर पहनानी थी बकरे की पहनाओ, बकरी की पहनाओ। मैं सुबह से लेकर शाम तक बाहर खड़ा रहा, शाम को मुझे एक चोर खोल कर ले गया और चोर अपने घर में जाके दिन रात मुझे मारता था। दूध क्यों नहीं दे रही? दूध क्यों नहीं दे रही? अच्छा इतना कर रहा है, दे रहे थे थोड़ा सा दूध उसको। उसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पुलिस ने कहा ये बकरी पता नहीं किसकी है, उन्होंने जाके बकर मंडी छोड़ दिया मुझे, और जहां छोड़ा सारे बकरे थे। बकवास कर रहा है। मैं बकरी हूँ, मुझे बकरियों में छोड़, बकरों में छोड़ दिया। और बकरों में मैंने कुत्ते किस्म के बकरे पहली दफा देखे, और मेरे कान में जो बकरे कह रहे थे ना सिद्धू भाजी, साफ समझ आ रही थी। और मुझे
मैंने बड़ा कहा जरा भी ख्याल नहीं रखते देखो मेरे साथ कितनी जाती करते तेरे को कहा ना बिट्टू का काम नहीं चल रहा था अभी चलेगा तेरे को दे देंगे तुमका मार्केटिंग कर रहे हैं हम लोग बेवकूफ लोग इनको क्या पता अरे तू पागल है तेरे को पता नहीं मैंने मार्केटिंग कैसे की है मैंने पूरे शहर में फैला दिया यहाँ पे बॉलीवुड सितारे आते हैं तू समझता नहीं पागल देखना अपना पार्लर कैसे हिट होता है जब एक एक करके लोग आए ना यहाँ पे फिर देखना तू रजनी का पश्तो बोल रहा I can't believe this. रक्षी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी वाली फैन। क्या सच में आपने न्यूटन के सर पे सेब गिराया था? In the note, dear Mr. Jinda. ये कह रहा है घूसा मारेगा तुम्हें गूगल भी ढूंढ नहीं पाएगा क्या बोले? वो बोल रहा है कि मुझे सेब का क्या पता मुझे तो यहाँ आने का एड्रेस ही नहीं मिल रहा था मंडर के स्पिनर और रहे लग रहे हैं क्या कर ले नहीं पता नहीं गंदी गालियां तो नहीं दे रहा क्या क्या बोल रहे हैं ये कह रहे हैं संडे इतनी बड़ी बात का मतलब से संडे तो संडे आता भी तो सात दिन बाद है ना अरे तुम लोग पागलों हट जाओ कितने बड़े स्टार आए हैं रजनी सर आप आइए इधर यहाँ बैठ जाइए आप एंड कोड ब्रोन लैंड दैट यू एंड गाड़ी ब्रोन ब्रोन दैट यू बाहर मेरा स्कूटर लगा दी कोई चौके तो नहीं लाइयू नारे इंडे करना उधर में इंदु बड़ा है डरने की जरूरत नहीं बस सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है पंजाबी लग रहा है एक सेकंड हाँ हाँ मैं क्या पति सत श्री अकाल की हाल है एक मिनट इधर रुको इसको जाने नहीं देना एक सेकंड कमीना आदमी मेरे को क्या कर रही हो एक मिनट हेलो हाँ आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर मैंने आपको 5,000 रुपए दिए थे मुझे सेलिब्रिटी चाहिए ये डुप्लीकेट भेज दिया आपने क्या बात कर रहे हैं 5,000 में डुप्लीकेट ही आता है कुछ भी बन जाता है ये क्या 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 बन जाता है ये अरे सब कुछ बन जाता हूँ यार बिल्कुल बन जाता हूँ मैं तो सिद्धू बाजी बन गया ओ भाई एक मिनट एक सिद्धू बाजी नहीं बनना हमसे एक नहीं बर्दाश्त हो रहा दो बन रहे आप ये नहीं होएगा सलमान खान बन सकते हो एक बार जी कमेंट कर दूं फिर तो मैं किसी ने सुनता ओए ओए ओह माय गॉड उबला हुआ सलमान खान हमें स्टार चाहिए स्टार जिनका क्रेज हो मार्केट में चर्चा हो जिनकी हमारे पार्लर में तभी तो लोग आएंगे चर्चा वाले हाँ ये चलेगा मैं बहुत खुश हो गया हूँ बहुत खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ ओह माय गॉड बिंदु मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ हाँ चेहरे से लग रहा बहुत खुश हो काम दिखाई दे रहा है बहुत खुश हो मोजे धो के पहना करो आपको स्मेल आ रही है बबली ओ बबली वाह मेरे ताश के पत्ते नहीं मिल रहे मेरे को क्या पता कहाँ आपके ताश के पत्ते हाय रब्बा मेरे सत्ते वाले उस्ताद जी ए, निकाल मेरे 1,000 रुपए बबली मैंने इसे कहा पैसे क्रिस गाइल पे लगा दे इसने श्री संत पर लगा दिए लो जी उसे तो थप्पड़ लगाने चाहिए इसने मेरे पैसे लगा दिए निकाल निकाल मेरे पैसे कहां से निकालूं किधर से निकालूं नहीं है मेरे पास पैसे निकाल दे तो मेरी बुआ को जानता नहीं है एक बार पैसों को लेकर राणा तुंगा से झगड़ा हो गया था इसने गुस्से में आकर उसका राणा अलग तुंगा तुंगा अलग कर दिया था क्या हां राणा तो फिर भी सरवाइव कर गया उसका तुंगा सुझा दिया था मार मार के सुन अगर तू मुझे पैसे नहीं ना दे सकता तो मुझसे शादी कर बुआ क्या बात कर रही हो फिर शादी किसे शादी करोगी मुंह देखा इसका ऐसा लग रहा है मुंह की जिब खुली रह गई है कोई बात नहीं मैं इसकी जिब अपने आप बंद कर दूंगी तू बस
खिला दे। ठीक है, इसकी शादी होने दो इसके साथ, ऐसे शोर का बड़ा फायदा, खाना वाना खिला के सोने के लिए जगह ना मिले, किल्ली को बटांग वो। ओए पागला, इसको और भी फायदा, हम दोनों मिलकर सट्टा खेला करेंगे। सट्टा कैसे खेलेगी तू, ये नकली है। एक तो बिंदु, ऊपर से वो भी नकली। चलो ठीक है ठीक है, मैं असली के पास जा रही हूँ खेलने के लिए। ओ बुआ। हाँ जी। जिस तरह तेरा अभी तक ब्याह नहीं हुआ, उस तरह ये सट्टा और जुआ भी किसी का नहीं हुआ। छोड़ दे ताश और जुआ, मिलेगी दुआ कपिल की पुआ।